नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं। स्वागत है आपका। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इस प्रकार से युधिष्ठिर को बुलाने के लिए विदुर को धृतराष्ट्र बुलाते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप जाइए और कहिए जाके कि धृतराष्ट्र आपको बुला रहे हैं सभा के उद्घाटन के लिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मत्माज्ञाय पुत्रस्य धृतराष्ट्रो नराधिपा मत्वाचा दुस्तरम दैवम एतत् राजन चकारा। ये निर्णय जो धृतराष्ट्र ने लिया है अपने पुत्र के मत में जुड़कर के लिया है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वही होना है, ऐसा सोच करके उन्होंने ये निर्णय ले लिया है। भैया जी, हमारे यहां भाग्य का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सुंदर है। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भाग्य के नाम पे छोड़ सकते हैं, और आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भाग्य के नाम पे उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। क्या करना है? भाग्य को लेकर के, क्योंकि अगर बिगड़ जाएगा तो भाग्य को कोसना है, और बन जाएगा तो अपना पुरुषार्थ बताना है। यहां पे भी धृतराष्ट्र ने भाग्य को श्रेष्ठ मान करके और इस प्रकार की आज्ञा दे दी है। विदुर जब धृतराष्ट्र के पास आकर के पहुंचते हैं, नाभिनंदे नृपदे प्रैषमैतम मैवम कृथा कुल नासात विभेमि। आपका ये जो कदम है, आप ये जो मुझे भेज रहे हैं युधिष्ठिर को लेने के लिए, मैं इसको ठीक नहीं मानता। पुत्रैः भिन्नैः कलहस्ते ध्रुवम स्यात्। अभी जो तुम्हारे ये पुत्र बिना झगड़े के अलग हो गए हैं, भाई पांडव भी तो पुत्र हैं, इनके बीच में अवश्य ही कलह होगा, अवश्य ही झगड़ा हो जाएगा। इस कारण से एतत् संके द्यूत कृते नरेंद्र। ये जो जुआ है, ये जो द्यूत क्रीड़ा है, ये अवश्य ही इनके बीच में झगड़ा करवा देगी। आप नहीं समझ पा रहे हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं, नेह क्षत्ता कलह तप्यते माम। मुझे ऐसा कोई डर नहीं सता रहा है कि इसकी वजह से कोई कलह कोई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मामा सुप्रीम ने पहले बता दिया था कि अगर आप नहीं बुलाओगे तो ये युद्ध में लड़ जाएगा, और युद्ध करेगा तो पांडवों के सामने जीतना तो है नहीं, फालतू मर जाएगा तुम्हारा पुत्र। इसकी वजह द्यूत में कम से कम इसके प्राण तो सुरक्षित है। इसलिए वो बात बराबर धृतराष्ट्र को समझ में आ गई है, इसलिए वो कहते हैं कि नेहम क्षत्ता कलह तप्यते माम, मुझे ये कलह जो है वो पीड़ा नहीं पहुंचाता है। न चेद दैवम प्रतिलोमम भविष्यति। बात इतनी है कि एक बार भाग्य अगर साथ देगा तो, अगर भाग्य ही विरोधी हो जाए तो अलग बात है, बाकी मुझे नहीं दिखाई देता कि ऐसी कोई बात होने वाली है। धात्रास्तु दिष्टस्य वशे किलेदम सर्वम जगत चेष्टति न स्वतंत्रतम स्वतंत्रम। आप जानते हैं कि भाई विधाता ने जो लिख दिया है भाग्य में, ये सारी दुनिया उसी हिसाब से चलती है। यहां संसार में कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, यानी यहां संसार में कोई भी अपने हिसाब से नहीं चल सकता है, यहां सब कुछ भाग्य का लिखा होता है। इस प्रकार से भाग्य की दुहाई देते हुए धृतराष्ट्र विदुर को युधिष्ठिर को लेने के लिए भेज रहे हैं। क्या कहते हैं? तदद्य विदुर प्राप्य राजानम मम शासनात्। इसलिए हे विदुर, आज ही मेरी शासन से, मेरी आज्ञा से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाइए। क्षिप्रमाण है दुर्दर्शन कुंती पुत्र युधिष्ठिरम, और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को जल्दी से यहां लेके आ जाओ। क्या करें? मंत्री हैं, सलाह देने का अधिकार है, लेकिन कार्य के विरोध का अधिकार नहीं है। इसलिए विदुर जो हैं, ततः प्रयात विदुरो अश्वै उदारै महाजवैर बलभी साधुदान्तै वलान्युक्तो धृतराष्ट्रिरन राघणा मनीषिणाम पांडवानाम सका से। बिचारे विदुर जो हैं पांडवों के पास चले जाते हैं, यात्रा बड़ी लंबी है नहीं, हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ तक ही जाना है। वहां जाकर के जब वो पहुंचते हैं, तंबई राजा सत्य धृतिर महात्मा आजात शत्रु विदुरम यथावत पूजा पूर्वम प्रति गृहाज मीढ़ ततो पृच्छ धृतराष्ट्रम सपुत्रम। युधिष्ठिर ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ विदुर की पूजा की है। देखिए,
पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हम जानते हैं एक ही महर्षि वेदव्यास की संतान है। इसलिए भी विदुर जो हैं वो चाचा हैं, पूज्य हैं। लेकिन भैया एक कहावत है कि काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। चमड़े किसी को अच्छी नहीं लगती है, संबंध भी किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है वो तो अच्छा लगने ही लगना है। आज पांडव भी ये बात मानते हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो इन्हीं विदुर की वजह से जिंदा है। ऐसे में विदुर जब उनके पास जाकर के पहुंचते हैं तो बड़ी ही आगता स्वागता की है, पूजा की है। और फिर धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों के कुशल समाचार पूछे। अभी जब कुशल समाचार पूछे ये सारी बातें चल रही हैं, ऐसे में विदुर का मन जो है वो अन्य मनस्क है। वो स्वस्थता नहीं अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो यहां आए तो हैं लेकिन अपनी इच्छा से नहीं आए, उनको भेजा गया है। युधिष्ठिर कहते हैं विज्ञायते ते मनुषो न प्रहर्षः। अरे भाई आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। कंचित छत्ता कुशले नागतोसी। अरे भाई कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, आप कुशलता के साथ आए तो हो। कश्चित पुस्ता स्थविरस्यानुलोमा वसानुगाश्चापि विशोथ कश्चित। अरे भाई धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो, महाराज धृतराष्ट्र तो बूढ़े हो गए हैं तो उनके पुत्र उनके कहने में तो चल रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई है कि कहीं पुत्रों ने एक तरीके से विद्रोह कर दिया हो और आप किसी विशेष मदद के लिए यहाँ आए हो। तरह तरह की शंकाएं जो युधिष्ठिर के मन में खड़ी हो रही हैं, वो सारी शंकाएं युधिष्ठिर यहां व्यक्त करते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। धन्यवाद।